दूध लेके जाएगा चोर का भाई, चोरी तो होगा। देसिया जी इसमें लकोड़ा के खून में गद्दारी नहीं सह। देसिया जी भैया। हाँ क्या हुआ छोटे बोल। कल वो मैंने आपको जमीन का मैटर बताया था ना, तो जमीन देखने के लिए आ रहा है। मैंने तुझे कितनी बार बोला है हमें कोई जमीन वमीन नहीं बेचनी, आई बात समझ। लेकिन भैया आप जाके अपना काम कर। धुर्रा जाओ जाकर देखो जमीन वाले आए या नहीं। धुर्रा धुर्रा मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेरा नाम धुरानी महेश है, कॉल मी महेश जी। महेश जी जाओ जाकर देखो जमीन वाले आए या नहीं। वो तो कब के आ गए, आपका वेट कर रहे हैं। तो उनको अंदर बुलाओ ना, या फिर बाहर बैठाने का इरादा है। आइए सर आइए, प्लीज सिट। थैंक यू। हाँ जी सर, तो बताइए क्या रहा जमीन का। सॉरी मैम बट भाई जमीन बेचने के लिए रेडी नहीं हुए। क्या आखिर तुम्हारे भैया की प्रॉब्लम क्या है? हम उस बंजर जमीन के जितने पैसे दे रहे हैं ना, तुमने और तुम्हारे भैया ने अपने सपने में भी नहीं देखे होंगे। पूरा मूड खराब कर दिया। अब क्या करें? जो भी है बट आई हैव अ प्लान। क्या? तुम्हें जमीन के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे और उनके सिग्नेचर। थैंक्स टू माय हैंड मैं अपने भाई का डुप्लीकेट साइन कर सकता हूँ। That's great. ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो फिर डील डन समझा? डन। मेरी डांट का अभी तक बुरा लग रहा है? काश पहले बुरा लग जाता तो ये गलती मुझसे नहीं होती। अब गलती तुझसे हुई है तो सुधारनी भी तुझे ही पड़ेगी। इसका मतलब आपको सब कुछ पता है कि मैंने आपके डुप्लीकेट साइन करके जमीन के पेपर उनको दे दिया। मैंने तुझे जाते हुए देख लिया था। You have a sharp mind. तो डील फिक्स हुई? Of course. महेश आपको आपका एडवांस दे देगा। आइए सर। मैं तुझे उस टाइम भी रोक सकता था, पर उस टाइम मैं तुझे रोकता तो तुझे तेरी गलती का एहसास नहीं होता। और वैसे भी ये जमीन जितनी मेरी है उतनी तेरी भी तो है। मैं अभी जाता हूँ अपनी गलती सुधार के आता। अरे नहीं अब कल सुबह ही चले जाइयो, वैसे भी थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। सॉरी मैम वो डील नहीं हो सकती। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सारा का सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है। सॉरी मैम लेकिन भैया अगर नहीं चाहते तो डील नहीं हो सकती। तुम्हारा भाई तो पागल हो गया है, और जो मैंने तुम्हें एडवांस दिया था उसका क्या? मैम आज तो बोल दिया लेकिन आगे से सोच समझ के बात करना मेरे भाई के बारे में। और रही बात आपके एडवांस की तो मैं लौटा दूंगा, मेरे पेपर वापस करो। पेपर ये तो तुम्हें वापस नहीं मिलने वाले हैं। मैं भी देखता हूँ मेरे पेपर कैसे नहीं मिलते। परेशान नहीं कर सकते इसको और इसके भाई को, तो मैं खुद ही देख लूं। मैम वो रहा जिसने हमारे पैसे खाए। Listen, तुमको क्या लगा तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे और मेरे पैसे लेके भाग जाओगे? तू शायद जानता नहीं है मुझे कि मैं कौन हूँ। महेश पेपर लेके ऐसे। मैडम पहले ना बॉडी से डरा देता हूँ, डॉक्यूमेंट तो अपने आप मिल जाएंगे। तुम्हारे पास की ना कुछ भी नहीं है, और तू या तो मुझे डॉक्यूमेंट दे या फिर ये जमीन। क्या बोला तुमने?
अक्षय तुमने मेरी तितली उड़ा दी और तुमने मेरी नींद ये पता सुबह सुबह यहाँ क्यों बुलाया ऐसे नहीं बताऊंगी गेस करो अपनी तितली दिखाने यार मेरी जॉब लग गई है अरे वाह बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है पूरे 1.5 लाख सैलरी है मल्टीनेशनल कंपनी मानना पड़ेगा वैसे असली तरक्की तो तू ही कर रही है अब फटाफट ये बता पार्टी कहाँ दे रही है जहाँ मेरा राजकुमार बोले बहुत बड़ा दिल है मेरा चलो फिर दिल देखने के लिए बिल भी बड़ा बना ही देते हैं चलो एक मैं एक वो और शाम कई चांद रोशन तब डोरे काजल डोरे नैन कटोरे काजल डोरे मैं तो तन मन मार गया नैन कटोरे काजल डोरे ओह अब समझी चोर का भाई चोरी तो होगा लड़ी चोर कहीं का वैसे ये गाड़ी कहाँ से उड़ाई है जहां से तेरे पैसे उड़ाए थे कहाँ रह गई थी यार हनी मैं कब से वेट कर रहा हूँ सॉरी यार वो ऑफिस में ना कुछ काम सबमिट करना था बस इसीलिए लेट हो चलो कोई बात नहीं अब ये बताओ कहाँ चलना है कहाँ चले तू मुझे लेके जाएगा हनी ये साले फटीचर ये तो 5,000 है बाकी के 15,000 कहाँ है कौन से 15,000 ज्यादा ना बनो मत मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन मेरी जॉब लगी थी तुमने सागर से तो पैसे लिए ही लिए मुझे भी नहीं छोड़ा सागर से मैं शट अप मेरे दोस्त ना तुझ जैसे फटीचर नहीं है तुझ जैसे देसी जाहिल गवार इंसान से प्यार नहीं सिर्फ नफरत की जा सकती है और वैसे भी मैं तो कोई रीजन ढूंढ रही थी तुझसे ब्रेकअप करने का और वो रीजन तूने आज मुझे दे दिया नाउ गेट लॉस्ट मैडम हम तो फटीचर ही बढ़िया हैं पर अपने साहूकार दोस्त तो मिल लो छोटे सागर सागर तुम ठीक तो हो ना आ गए ना तुम अपनी गांव वाली औकात पे बहुत अच्छा किया जो मैंने तुम्हें छोड़ दिया महेश पुलिस को कॉल कर सॉरी हनी हाँ सागर क्या हुआ अक्सर मुझे तुझसे कुछ काम था यार हाँ तो बोलना इतना क्या सोच रहा है मुझे यार कुछ पैसों की जरूरत थी पैसे कितने यही कुछ 20,000 अरे बस इतनी सवाल चल बैठ अरे थैंक यू अक्सर ये पैसे मैं जल्दी लौटा दूंगा अरे थैंक यू क्या जरूरत है यार तो अन्नी का दोस्त है तो मेरा भी तो हुआ और वैसे भी आराम से लौटा दी कोई जल्दी नहीं है थैंक यू यार अब मजा चखाता हूँ उस देसी को मेरी हनी को मुझसे दूर करेगा सागर तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ ठीक है क्या हुआ नहीं नहीं कुछ नहीं
हनी वो तुम्हारा मैसेज आया था, देख लो कोई इंपोर्टेंट हो तो। सागर मेरे अकाउंट से किसी ने 20,000 रुपए निकाले हैं, मेरा एटीएम खर्क है। मेरा एटीएम नहीं मिल रहा, मेरा एटीएम कहाँ चला गया? एटीएम नहीं मिल रहा? सुरुचि तुम याद करो लास्ट टाइम तुम कहाँ गई थी और किससे मिली थी? मैं बस कल ऑफिस गई थी और आज अक्षय से मिली बस। एक मिनट, अक्षय? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो ना प्लीज। श्रुति देखो, जब मैं आ रहा था ना तो अक्षय एटीएम से पैसे निकाल रहा था, उस फटीचर के पास पैसे आएंगे भी कहां से? तुम्हारे एटीएम से। और ये देखो यार, तुम सागर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तू आम सी लड़की थी, तुझे खास बनाया था, और जिसने तू सारी आनी देसी फटीचर का है ना, उसी ने तुझे सर पे बैठाया था। व्हाटएवर, तुमने सर ढंग से सुना नहीं मैंने क्या कहा, मैं तो तुमसे पीछा ही छुड़वाने का सोच रही थी। चुप रह, और मौका तू ना, मैं ढूंढ रहा था तुझसे बदला लेने का। बदला? बदला माय फुट। महेश सर को कॉल कर, इसको तो सबक मैं सिखाती हूं। पर मैडम सर तो यही है। सर आज आप बाइक पे कैसे? आपकी ऑडी कहाँ है? बेच दी, क्यों कोई प्रॉब्लम है? आपकी ऑडी आपका ऑफिस जब मन कर जब बेच दो, हम तो मजदूर आदमी भाई। अच्छा सर आज ऑफिस में नई लड़की आई है। मैंने अपॉइंट किया है। ये भी ठीक है। छोरा यो तेरा प्यार में बदनाम हो लिया, जिसने समझता रहा मैं अपनी जिंदगी, वो तो हवा का झोंका निकली। सपने थे मेरे हजार, टूटे लाखों बार, सिंदूर तक के सपने थे मेरे, पर तू तो बीच रास्ते में छोड़ गई। बब्बा बोले बताना इसने तू, प्यार में दिमाग नहीं दिल लाया करे, और जो तोड़े तेरे भगत का दिल, ना 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 बावली, ऐसा ख्याल दिमाग में ना लाया करे। I'm sorry अक्षय। या सॉरी बचा के राग किसी और के चेप दिए मौका देख के, और रही बात तेरी नौकरी की तो टेंशन मत ले, वो तेरे पास ही रहेगी, पर छुट्टी मत करियो ना तो तेरी छुट्टी हो जाएगी मौका देख के। ना फील मेरे भीतर ना पत्थरा ने पूछ, रह चीज के हूँ मैं मेरे बैरिया ने बूझ, जा गोली उठा।